वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा, हम पृथ्वी हमारा आवास बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में जान चुके हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का वास्तविक रूप में एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है उसका। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की और आज हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं क्या है। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। यदि हमें किसी जगह का पता लगाना है ग्लोब पर, तो अक्षांश रेखाओं के साथ साथ हमें देशांतर रेखाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर, ठीक है। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना जरूरी होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा या पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब उसने कहा कि जो प्रशांत महासागर में जो जगह है और जो हिंद महासागर में जगह है, दोनों ही 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अब 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पूरा वृतांत हो गया, पूरा वृत्त हो गया। अब वहां पर उसकी सही जगह कौन सी है, हम इसका अंदाजा कैसे लगाए, ठीक है। इस संदर्भ में रेखाओं को हम देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर क्या है? देखिए बेटा, हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब यहां पर जो 90 डिग्री था आपका, 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और यहां था आपका 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए ये सभी आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ये देखिए। एक ही कॉर्नर से मिल रही हैं, जैसे आपने तरबूज देखा होगा या खरबूजा देखा होगा, उसमें सारी की सारी जो रेखाएं है ना, आकर एक ही लाइन पर मिल जाती हैं, एक ही कॉर्नर पर, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपका डायग्राम दिखा रखा है और यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसके अंदर क्या दिखाया है वो भी देखिए आप। इन्होंने यहाँ बनाया है इस ध्रुव को, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। और इन सभी रेखाओं के नाम रखे हैं, इन सबके मान बताए हैं, जैसे कि ये 90 डिग्री वाली थी, ठीक है, तो ये 30 डिग्री वाली हो गई, 30 डिग्री पूरा, ये हो गई आपकी 60 डिग्री पूरा, ऐसे, ठीक है। और इनके भी अलग अलग हैं, ये पश्चिम की है 30 डिग्री पश्चिम, ये हो गई आपकी 60 डिग्री पश्चिम, ठीक है, ऐसे। आप ये देखिए बुक में चित्र बना हुआ है, उसमें ये सारे के सारे मान दे रखे हैं, ये देखिए ये बुक में चित्र दे रखा है ना, इसमें सारे के सारे मान आपके दिखा रखे हैं। आगे देखिए तथा उनके बीच की दूरी देशांतर को अंशों में मापा जाता है। जैसे अक्षांश के बीच की दूरी को भी हमने अंशों में मापा था और देशांतरों के बीच की दूरी को भी हमने अंशों में मापा, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये। और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अंश है पूरा 23 डिग्री अंश है, लेकिन 23 से थोड़ा सा आगे हो गया तो 24 तो नहीं हुआ ना, आगे हम उसको मिनट में डिवाइड करते हैं और उसको आगे हम सेकंड में बांटते हैं। ये अर्धवृत्त है, आधे वृत्त है। आपने देखा जब हमने अक्षांश रेखाएं बनाई थी, जब हमने अक्षांश रेखाओं का डायग्राम बनाया था ना बेटा, तो हमने ऐसे बनाया था, ये आपका विषुवत वृत्त था ये, तो बेटा ये तो बॉल का पूरा सर्कल काट रही है, ये लाइनें आपस में टच नहीं कर रही, देख रहे हैं ना, ये लाइनें आपस में टच नहीं कर रही हैं,
लेकिन ये तो पूरा सर्कल हो गया, पूरा घूम के जा रहा है, लेकिन ये अर्धवृत्त है क्योंकि ये इस कोने से आकर इस कोने तक मिल गए। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल तो नहीं बना रहे हैं, ये आधे वृत्त हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरे वृत्त हैं। आगे देखिए, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों तक की तरफ बढ़ने पर घटती चली जाती है। यहां पर है, यहां पर आपका विषुवत वृत्त था। जब ये विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ, ये ध्रुव है ना आपके 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है ये, या 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक आए, तो आप देखेंगे कि इनके बीच की दूरी कम होती चली जा रही है। देख रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी कम होती चली जा रही है। और जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं, और सभी यहां लास्ट में आकर सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल गई, लेकिन अक्षांश रेखाएं क्या है, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। देख रहे हैं ना, कभी नहीं मिल रही है, ये पूरा का पूरा वृत्त है जो आपस में कभी नहीं मिलती, ये समानांतर है एक दूसरे के, लेकिन ये आगे आकर मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान है। और आपने देखा ये रेखा इन सब की लंबाई समान है, क्योंकि बॉल में एक ऐसे सर्कल लगा हुआ है, इधर भी इतना आएगा, इधर भी इतना है, आप देखना एक बॉल के ऊपर निशान लगाकर, तो सारी रेखाओं की लंबाई बराबर आएगी, लेकिन इनकी लंबाई बराबर नहीं है। बीच वाली सबसे लंबी, ऊपर वाला सर्कल उससे छोटा, ऊपर वाला उससे छोटा, उससे ऊपर वाला उससे छोटा, और लास्ट वाला तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो वही लिखा, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन था, तथा तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वैधशाला है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसका मान है 0 डिग्री, जहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त हो जाते हैं। देखिए, अब यहाँ तो ये सबसे बड़ा सर्कल था जिसे दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये विषुवत वृत्त हो गया, लेकिन यहाँ तो सभी देशांतर बराबर हैं, तो किस देशांतर को हम मुख्य देशांतर रेखा माने उसको लेकर बहुत समस्या थी। तो हमने क्या करा, सभी जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने निश्चय किया, सभी देशों ने ये निश्चय किया कि जो लंदन की वैधशाला से होकर ग्रीनिच, लंदन में एक जगह है ग्रीनिच, उसकी वैधशाला से होकर गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसे 0 डिग्री मान लेते हैं। मान लीजिए ये हो गई आपकी लंदन से गुजरने वाली रेखा, इसको मान लिया गया 0 डिग्री, और ये हो गई आपकी प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, और यहीं से ही इसको इधर आपके, जब आपके सामने कोई बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना हुआ है, नोटबुक पे डायग्राम बना हुआ है या मैप है, तो जो राइट हैंड है ना वो आपके पूर्व है और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका पश्चिम। तो जो प्रमुख यामोत्तर है उसके इधर के अंशों को क्या, उनके पीछे पूर्व लिखा गया, देख रहे ना 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, और जिसके पश्चिम के देशांतर है उनके साथ पश्चिम लिखा गया। ठीक है, इसके कारण प्रमुख यामोत्तर के कारण ये दो भागों में बट गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे इसके कारण ये दो भागों में बटा, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये उत्तरी गोलार्ध था और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन प्रमुख यामोत्तर ने भी इसे दो भागों में बांट दिया, एक कौन सा, एक आपका पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन क्या प्रमुख यामोत्तर ने अकेले ही इसको दो भागों में बांट दिया, ये तो अर्धवृत्त है, ये तो आधा ही सर्कल लगाएगा, तो पीछे का आधा सर्कल कौन सा, टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं, कुल देशांतर हैं आपके 360, 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। ठीक है, ये हो गई प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री और 180 इसके इधर और 180 इधर, जो 180 वाला लास्ट में आपका कॉर्नर मिलता है, तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह पर आकर मिल जाती है, समझ रहे हैं, एक ही रेखा है, जिसे हम 180 डिग्री पूर्व भी कह सकते हैं और 180 डिग्री पश्चिम भी। तो वो वाली रेखा और ये आपकी प्रमुख यामोत्तर मिलकर एक सर्कल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण ये दो गोलार्धों में बट जाता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर ऐसे लिखा जाता है पूर्व के लिए, और यदि पश्चिम हो तो उसके आगे हम ऐसे लिख देते हैं पश्चिम। ठीक है, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, मैंने अभी बताया
कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम कोई अलग अलग रेखा नहीं है, ये एक ही रेखा है और एक हो गई आपकी प्रमुख यामी उत्तर। ये दोनों मिलकर एक पूरा सर्कल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण हमारा ये पूर्वी गोलार्ध हो जाता है और ये पश्चिमी गोलार्ध। और जो हमारी 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम वाली रेखा है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। देखो बेटा, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड क्या होता है? जाल। देखिए, ये सब आपकी देशांतर रेखाएं थी, अब यहां पर हम अक्षांश रेखाएं बना दें। एक नेट बन गया ना, एक जाल बन गया। इस जाल को कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है इसे? ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। आगे देखिए बेटा, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता लगा सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया क्या, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। मान लीजिए ये 26 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है, ये पूरी की पूरी रेखा 26 डिग्री वाली है, ठीक है। और उन्होंने कहा 90 डिग्री पूर्वी, पूर्वी मतलब इधर वाला देशांतर रेखाओं के इधर, ये देखो 30 हो गई, ये 60 हो गई और ये 90 हो गई। तो ये जो 90 वाली रेखा है, ये दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगी, ये जो पॉइंट बन गया, ये आपका वो प्लेस हो गया धुबरी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए असम जो है, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, मतलब ये आपकी अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। हमने दोनों का मान देख लिया, उसका 26 डिग्री था, इसका 90 डिग्री। जहां पर दोनों रेखाएं मिल गई, ये वो प्लेस हो गया जिसका ये मान है, यानी कि असम में धुबरी यहां पर है। इस समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 और क्षैतिज रेखाओं को कह के गए अक्षरों से व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब जिन बिंदुओं से ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, वहां छोटे छोटे व्रत लिखिए और इन व्रतों को ए बे से दे नामों से लिखिए। देखिए बेटा, ये इसका भी एक डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि व्रत ए और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य व्रतों की भी जानकारी हासिल करें। देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं बेटा, ये आप ये डायग्राम बन रहा है। जो इस डायग्राम में हमने ये सीधी देशांतर रेखाएं खींची जिन पर हमने 1, 2, 3, 4 लिख दिया, और जो इधर सीधी लंबी लाइनें लगाई हैं क्या 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 लिख दिया। अब जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब हमें पता चल गया जो हमारी ए जो जगह है वो किस पर है, 1 डिग्री देशांतर पर है। जो बे जगह है वो भी 1 डिग्री पर है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि जो आपका मतलब जो ए जगह है, ठीक है, उसका आपका अक्षांशीय मान तो ख है लेकिन देशांतरीय मान 1 है, लेकिन जो आपका स्थान बे है उसका अक्षांशीय मान तो घ है लेकिन उसका देशांतर मान 1 है। तो इन प्लेस को हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आप इनको कंप्लीट देखिए और अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए। ओके।